रजाक भाई, आई एम रियली सॉरी। आप चाहे हम्बल रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, मेरा कोर्ट आज इधर ही लगेगा। मैं तो यहाँ सबके सामने आज यहीं पे फैसला होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा। आपने मुझे रोका है ना। धुंध के बाइस जज को मोटरवे पर जाने से रोकने वाले दो अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। जज को मोटरवे पर रोकना पेट्रोलिंग अफसरान का जुर्म बन गया। एक आप लोगों ने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को यूं इस तरीके से रोका है, इसके अंदर सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने भी साथ ही इन्वॉल्व होना है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अपने पुलिस स्क्वाड के हमरा जबरदस्ती रिकावट अबूर करके मोटरवे सड़क पर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, वीडियो सामने आ गई कि किस तरह अदालत मोटरवे पर ही लग गई। पुलिस की स्क्वाड कार में बैठी है, आपके एक ऑफिसर के सिर्फ बिहेवियर की वजह से, मैन आई एम सॉरी, ही इज सो नॉनसेंस, तो उसको ये भी नहीं पता कि उसने कब क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज नॉट ट्रेनिंग दैट यू हैव इम्पार्टेड देम। रजाक भाई, आई एम रियली सॉरी। आप चाहे हम्बल रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, मेरा कोर्ट आज इधर ही लगेगा और हाई कोर्ट भी आज इधर ही आके इस बात का फैसला करेगी। एक आप लोगों ने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को यूं इस तरीके से रोका है, इसके अंदर सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने भी साथ ही इन्वॉल्व होना है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये सारे जो इधर खड़े वीडियो बना रहे हैं, जो अब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ानी है, आप या वो कोई जवाब दे सकेगा इस बात का? दे लेंगे इस बात का जवाब, मुझे बताइए आप। आपकी सो सॉरी से क्या बनेगा? या तो मुझे ये बताइए कि इससे कुछ बन जाएगा। अभी यहां से मुझे खड़े हुए 4 किलोमीटर तक नजर आ रहा है सर। मुझे इनकी तो उनकी तो आप रवाना करें या ना करें, आप लोग खाए खसमों को, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं तो यहां सबके सामने आज यहीं पे फैसला होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा। आपने मुझे रोका ना, मेरे बच्चों को भी उतार के भेजा उधर दूसरी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी। लेट अस सी नाउ, देखते हैं इसको। रजाक भाई, आई एम रियली सॉरी। आप चाहे हम्बल रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, मेरा कोर्ट आज इधर ही लगेगा। मैं तो यहां सबके सामने आज यहीं पे फैसला होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा। आपने मुझे रोका है ना।